हेलो एवरीवन वेलकम टू अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट सब्जेक्ट से यानी कि चारों यूनिट से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लास्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को एंड इन क्वेश्चन का आंसर्स के साथ सोल्यूशन के साथ पीडीएफ का लिंक इंग्लिश में अलग पीडीएफ है हिंदी में अलग पीडीएफ है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं शुरू करते हैं आज की वीडियो को एंड फ्री क्लासेस के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करें वहां पे आपको बायोलॉजिकल साइंस की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी क्वेश्चन नंबर वन है बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बायोलॉजिकल साइंस सब्जेक्ट का पैडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का यहाँ पे पूछा गया है नेचर स्कोप और जनरल एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए हो सकता है सिक्सटीन मार्क्स के क्वेश्चन में ये सभी चीजें ना पूछे आपसे सिर्फ पूछ ले बताओ एम्स और नेचर क्या होता है और मीनिंग क्या होता है राइट right? सो so, कुछ चीज़ें यहाँ से आ भी सकती हैं नहीं भी आ सकती हैं ओवरऑल ठीक है तो नेचर स्कोप जनरल एम्स ऑब्जेक्टिव और मीनिंग इनमें से ये सभी नहीं आएंगी सिक्सटीन मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ दो से तीन पार्ट्स में ही आपका डिवाइड होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है डिस्कस द ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ ऑब्जेक्ट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम का क्वेश्चन पेडागलॉजी सब्जेक्ट में ना आए ऐसा होता ही नहीं है 99.9 परसेंट ये क्वेश्चन आता है और ये आपके दूसरे पेडागॉलॉजी सब्जेक्ट में भी है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जरूर करें क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन की तैयारी आप करते हैं और दो क्वेश्चन के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर लेते हैं दो सब्जेक्ट्स के लिए राइट क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिस्कस द मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस इन डिटेल देखिए पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और साथ में एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल साइंस के टॉपिक पे सैंपल भी प्रिपेयर कर ले कि पेडागोजिकल एनालिसिस ऐसे किया जाता है थोड़ा सा करके दिखा दें राइट क्वेश्चन नंबर फोर राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फूड चेन ये आ ही गया वो क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी ये जितने भी टॉपिक्स पे दिए हैं इनमें से किसी पे भी एक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को भी आ सकता है तो ये वो टॉपिक्स हैं इन सब के बारे में अगर आप यहाँ से पेडागोजिकल एनालिसिस वाला टॉपिक करने की सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो मैं यही कर दूंगा आप इसको स्किप नहीं कर रहे हैं तो कंप्लीट टॉपिक करें यानी कि किसान

एक सजेशन रहेगा मेरी ओर से कि जो आपको ऊपर पेडागोजिकल एनालिसिस करने वाले टॉपिक मिले हैं, उसी पे ही आप माइक्रोटीचिंग लेसन प्लान भी प्रिपेयर कर लें राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वट डू यू नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस देखिए लेसन प्लानिंग वाला भी टॉपिक आपके दूसरे पेडागोजिकल सब्जेक्ट में भी है तो अगर आप ये वाला टॉपिक कर लेते हैं तो वही बात है एक तीर से दो निशाने मतलब दो क्वेश्चन की प्रिपरेशन एक टॉपिक को पढ़ के आप कर लेते हैं दो सब्जेक्ट्स की बेसिकली नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन देखिए ये एट एट मार्क्स में डिवाइड होके आ जाता है क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि एट एट मार्क्स में जो है आपको इसका लाइक सिक्सटीन मार्क्स का क्वेश्चन एट एट मार्क्स में डिवाइड होके आएगा टोटल थ्री पार्ट्स है स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग बी इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड सी इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच इनमें से कैसे भी एट एट मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा ओवरऑल सिक्सटीन मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट यस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेलुएशन डिफरेंशिएट अमंग फॉर्मेटिव सम्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेलुएशन इन डिटेल एट नाइन टेन क्वेश्चन जो है ये आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट में भी हैं तो इनको जरूर करिएगा यूनिट फोर से हैं इजी क्वेश्चन है ये भी इसका भी इसका फ्री लेक्चर आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट डिस्क्राइब ब्रीफली एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड कंटिन्यम्प्रीएंसिवेलुएशन दैट इज सी कंप्लीट टॉपिक पढ़े कॉन्सेप्ट मतलब मेरिट्स डीमेरिट्स एंड स्टेप्स वगैरह सब आ गया अब यहाँ पे टाइप्स राइट right? तो कंप्लीट टॉपिक करें तो ये यहाँ पे टोटल टेन क्वेश्चंस हैं फ्रॉम सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस अब इन्हीं क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे पर उससे पहले मैं आपको बता दूं सॉल्व पीडीएफ लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश मीडियम का अलग है हिंदी मीडियम का अलग है जो आपका मीडियम है उसी में आप परचेज कर सकते हैं कमिंग टू हिंदी मीडियम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जैविक विज्ञान की प्रकृति कार्यक्षेत्र लक्ष्यों और उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए दूसरा प्रश्न है ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए तीसरा प्रश्न है शैक्षणिक विश्लेषण के अर्थ महत्व और चरणों की विस्तार से चर्चा कीजिए चौथा प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी सारे टॉपिक्स गिवन है, इन चार है चार में से किसी पे भी आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को बोल सकता है तो प्रिपेयर करें तो चारों करें पांचवा प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है यानी कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की व्याख्या कीजिए छठा प्रश्न है पाठ योजना से आप क्या समझते हैं जैविक विज्ञान के शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व की चर्चा करें सातवां प्रश्न देखिए तीन पार्ट्स हैं बट सिक्सटीन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो एट एट मार्क्स में डिवाइडेड होगा तीन में से कौन से दो आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं तो तीनों करने पड़ेंगे करें आठ नंबर के हिसाब से पाठ योजना के चरण प्रायोगिक शिक्षा समस्या समाधान और जांच दृष्टिकोण राइट आठवां प्रश्न माप और मूल्यांकन के बीच अंतर रचनात्मक योगात्मक और नैदानिक मूल्यांकन के बीच विस्तार से अंतर बताएं। अगला प्रश्न है है? उपलब्धि परीक्षण क्या एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए दसवा प्रश्न सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तो इस प्रकार से आपके हिंदी मीडियम में रहते हैं ये दस प्रश्न हिंदी मीडियम का भी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में फ्री क्लासेस आपको कहां से मिलेंगी वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल से लिंक्स के साथ आपको पीडीएफ वहां पर दे दिया जाएगा सो मेक श्योर आप हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करें और वहाँ से फ्री क्लासेस का आनंद उठाएं पीडीएफ का लिंक वो पेड है आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उनमें ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगी इतना टाइम अगर आपके पास है कि आप सर्च कर सकते हैं तो वहाँ से ही करें वरना पी आप जो है वो बाय कर सकते हैं सो इन ओवरऑल ये टेन क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो दैट्स वेरी इनफ फॉर दिस सब्जेक्ट और इस साल तो यूनिवर्सिटी ने एग्जेमिशन दिया है कि वन कंपल्सरी क्वेश्चन और उसके अलावा कोई भी चार क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो ईजिली इन टेन में से भी अगर आप कुछ क्वेश्चन स्किप करना चाहें तो कर दें और इजिली यहां से आपके जो क्वेश्चन हैं एटलीस्ट सिक्स सेवन क्वेश्चन से आ जाएंगे सो दैट्स लेक्चर होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सुन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें साथ में बेलाइकन को प्रेस करें ऑल पे टिक करें ताकि आपको हमा, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले धन्यवाद